News 18, India. कि भाई आज की तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है, और वो तीन बड़ी खबरें क्या है? बिहार में बदलाव की बयार, साफ तौर पर वहां पर ये कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं और जो हमारे पुख्ता सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो बदलने वाला है। पूरी की पूरी दाल इस वक्त काली नजर आ रही है राजनीति की, कौन कहां जाता है, कौन सा उठ कहां करवट लेता है, हमारी नजर बनी हुई है। तो बिहार के बदलाव की बयार की बात करें, कर्तव्य पथ पर भारत के दम को हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्यों बार बार बिहार में इस तरीके से हालात राजनीतिक तौर पर बदल रहे हैं और क्या वजह है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बिहार में राजनीतिक उठापटक कोई नई चीज नहीं रही है। बिहार की राजनीति से ये जानकारी मिली है कि पटना में बड़े बड़े बदलाव के लिए बड़े बड़े नेताओं से बातचीत का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके आवास पर देर रात तक बैठक चली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी के मुखिया जिनको कल ही बुलाया गया, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, विजय सिन्हा और रेणु देवी समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में बिहार के प्रदेश संगठन महासचिव भीकू भाई दलसानिया भी मौजूद थे। अमित शाह के घर से पहले सम्राट चौधरी, भीकू भाई दलसानिया, सुशील कुमार मोदी, रेणु देवी, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, वो सब मिलकर विनोद तावड़े के घर पर बैठक कर चुके थे। इसके बाद सभी नेता सीधे पहुंचे अमित शाह के आवास पर और वहां पर देर रात तक बैठक चलती रही है। तो बिहार में सियासी हलचल पर सोर्सेस की तरफ से हमें खबर मिल रही है और यह बड़ी खबर है। खबर यह कहती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है और इसीलिए नीतीश के सम्मान पर बीजेपी नेतृत्व चर्चा कर रहा है कि क्या यह फैसला सही होगा कि गलत होगा। बताया यह भी जा रहा है कि बुधवार देर रात भी इस मुद्दे पर पीएम आवास पर भी एक अहम बैठक होती रही। सोर्सेस कह रहे हैं कि बीजेपी में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश बाबू फिर से बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर से बीजेपी का साथ उन्हें मिलता है तो सीएम पद बीजेपी अपने पास रख सकती है कि नहीं रख सकती है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है गमला कोई सा हो पौधा नीतीश कुमार का रहेगा। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के संपर्क में है और उन्हें बिहार की सियासत से जुड़ी हर अपडेट दे रहे हैं। और मेरे सहयोगी चंद्रमोहन पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 18 इंडिया पर, बहुत बहुत स्वागत है और गणतंत्र दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज इस मौके पर बड़ी खबर बिहार से भी आ सकती है, बैठक हुई अमित शाह के घर पर, लेकिन क्या बिहार में नतीजा निकला कोई? बिल्कुल, देखिए जो पल पल राजनीतिक हालात बदल रहे हैं बिहार में और जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि जो पुराना उनका गठबंधन है जिसके साथ वो जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और अभी जो फिलहाल जिस गठबंधन के साथ हैं कहीं ना कहीं उनके साथ नाराजगी है और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब अपना रुख बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में दोपहर के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसके बाद तकरीबन 5 बजे के करीब राजभवन नीतीश कुमार जाएंगे, जहां पर हाईटी का एक आयोजन किया गया है राज्यपाल के तरफ से। उसके बाद क्या होता है इस पे सबकी निगाहें रहेगी, लेकिन सबसे अहम बात जो सामने आई है उसमें जो संकेत मिले हैं, नीतीश कुमार कल शाम में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक किए हैं मुख्यमंत्री आवास में, जिसको लेकर हलचल बढ़ी तो लालू यादव ने अपने करीबियों के साथ बैठक की और साथ ही बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वहां से दिल्ली से कॉल किया गया अमित शाह के यहाँ से, और उसके बाद फिर जो बिहार के वरीय बीजेपी का नेता थे वो दिल्ली पहुंच गए और देर रात तक बैठक चलती रही। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर बदलाव के मिल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव कब होगा, लेकिन क्या वो बदलाव भी होगा जिसकी चाहत बीजेपी को है? चंद्रमोहन, मैं चाहती हूँ उस पर आप अपने सूत्रों के हवाले से जो इनपुट मिला है रखें, लेकिन उससे पहले ये खबर भी दर्शकों को बता दूं कि बिहार में मची ये सियासी हलचल जो है, इस बीच बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया है। इसके माने आप समझ रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए
कि वो समस्तीपुर से वापस पटना पहुंच गए हैं। आप इसके माने समझ रहे हैं, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। पटना से ही ये खबर है कि सीएम नीतीश कुमार आज शाम राजभवन जाएंगे, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आज शाम को सीएम नीतीश राजभवन में आयोजित हाई टी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। हालांकि राजभवन का रुख सबसे ज्यादा अगर इस दौरे पर किसी की नजर रहेगी या राजभवन जाने पर किसी की नजर रहेगी तो वो तेजस्वी होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि इससे तेजस्वी को फायदा होगा, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिहार में मची सियासी हलचल पर क्या कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। सब ठीक है, ऑल इज वेल, जबकि रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर अगर सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने रोहिणी को नसीहत देते हुए कहा कि बड़ों के मामले में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। सुनिए, इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है, इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले थे। राजभवन जाएंगे, हाई टी पर जाएंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन मौजूद है। चंद्रमोहन, जो चाहत बीजेपी की है वो होगा तभी तो बीजेपी दोबारा अपना दामन या दोबारा अपना साथ जो है वो देने वाली है नीतीश बाबू को। तो ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आ रही है कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सीएम इस बार हमारा होगा? बिल्कुल, देखिए, और इसी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और रेणु देवी, और इसके साथ भीखूभाई दलसानिया, और साथ ही जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं उनको भी बुलाया गया था, और साथ ही जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर बदलाव के मिल रहे हैं, लेकिन इसके रूपरेखा क्या होंगे, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी के तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले नीतीश कुमार को ये कहा गया था कि आप कुर्सी छोड़कर आइए और उसके बाद आगे बात होगी, लेकिन कल जो रात में बीजेपी की बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय हुआ है ये थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की जो पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार नाराजगी आरजेडी के साथ सामने आ रही थी, और कर्पूरी ठाकुर का जो कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद को लेकर हमला किया, ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि उसमें जो इंडी गठबंधन के 3 LI हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर हमला था, जिसमें मुलायम सिंह का परिवार आता है, गांधी परिवार आता है, और लालू यादव का परिवार आता है, और परिवारवाद पर हमला। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश का निशाना कहाँ था। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इस गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन उस गठबंधन से हटने का रूपरेखा क्या होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। हो सकता और है उसी पर नजर हमारी भी टिकी हुई है। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के भी संपर्क में न्यूज 18 इंडिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मची सियासी हलचल जो है वो सरकार के अंदर कुछ गड़बड़ी है ये नहीं दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को किसी भी तरह के बयानों से इस वक्त बचना चाहिए। सुन लीजिए आप। सरकार में सब कुछ ठीक है, गठबंधन काफी समन्वय के साथ चल रहा है, सारे जो भी अन्य जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, जिसमें विजय चौधरी जी नालंदा के प्रभारी हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही, सब अपने अपने प्रभार के जिलों में के गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। सरकार में सब कुछ ठीक है, गठबंधन काफी समन्वय के साथ चल रहा है, सारे जो भी अन्य जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, जिसमें विजय चौधरी जी नालंदा के प्रभारी हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही, सब अपने अपने प्रभार के जिलों में कल के गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ ठीक नहीं है, सच ये है कि अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई है, सच ये है कि सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है, सच ये है कि बिहार के तमाम बड़े जो नेता हैं बीजेपी के वो आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और एक छोटी सी रिपोर्ट भी तैयार की है कि अमित शाह को बताया जाए कि इससे हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा। जो मीटिंग अमित शाह के यहाँ पर हुई थी उससे उसके खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी बाहर निकले,
मीडिया के सवालों का जवाब दिया। बिहार में मची सियासत पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। बैठक में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, ये कहते हुए वो आगे बढ़े। लोकसभा की तैयारी की बैठक चल रही है, लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे इसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया जा रहा है। यही है, हम तो 2024 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन सारे सियासी पंडित यही तो कह रहे हैं कि ये मसला जो है साथ रहे कि अब बीजेपी के संग आ जाएं, ये 2024 को लेकर ही जहन में चल रहा है। बिहार में सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने अपने सभी सहयोगी दलों के नेताओं को पटना में ही रहने के लिए कह दिया है, और शायद इसीलिए चिराग पासवान भी वहां पहुंच गए हैं। जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही पटना में, आप जानते हैं। पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने क्या कहा कि राज्य हित में होने वाला है जो कुछ भी होने वाला है। नीतीश पर हमेशा हमलावर रहने वाले चिराग का रुख अब की बार नरम दिख रहा है। ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त जरूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है, आज का, कल का, परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। चंद्रमोहन, कुछ ऐसी बातें मैं चाहती हूं कि न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप बताएं कि आपको भी लग रहा है कि नहीं, इस बार कुछ तो उठापटक होने वाली है, मतलब वो कौन से संकेत थे जिससे ये क्लियर हो गया? बिल्कुल, देखिए जो अब तक संकेत मिले हैं उसमें सबसे बड़ा संकेत यह है कि नीतीश कुमार पिछले 1.5 महीने से नाराज चल रहे थे, और जो नववर्ष का दिन होता है 1 जनवरी, उस समय अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं तो वो लालू परिवार के पास जरूर जाते हैं, उनको बधाई देते हैं। राबड़ी देवी का उसी दिन जन्मदिन है, ऐसे में नीतीश कुमार उनको भी बधाई देने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं गए। और उसके ठीक एक सप्ताह बाद लालू यादव को और तेजस्वी यादव को आना पड़ता है मुख्यमंत्री आवास, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चर्चा शुरू हो जाती है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद उनके कोटे से जो मंत्री थे, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, उनको हटाया गया। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जिद थी कि उन्होंने जिस तरह से रामचरितमानस और विभाग में अपने अधिकारी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे वो ठीक नहीं था, जिसके बाद उनको हटाया गया। और अब नीतीश कुमार का सीधे सीधे परिवारवाद पर हमला, जो ये माना जा रहा है कि लालू परिवार के ऊपर ही उन्होंने यह बयान दिया था। और उसके बाद रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी हैं, एक के बाद एक ट्वीट करती हैं और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर लेती हैं, जो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और कल जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब कैबिनेट की बैठक थी उस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी अधिकारी के बीच में वहां पर हॉट टॉक हुआ है, जिसके बाद नीतीश कुमार अब इस मुहाने पर पहुंच चुकी है चंद्रमोहन कि ना मैं तेरा चेहरा देखूं ना तू मेरा चेहरा देख। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। सबसे पहले जानकारी आपको मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ न्यूज 18 इंडिया पर मिलने वाली है बिहार की सियासत को लेकर, नॉट जस्ट बिहार की सियासत, यहाँ पर कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटने वाली है। ये जो उठापटक हो रही है, इसी बीच बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने अपना केरल का दौरा रद्द कर दिया है। 27 जनवरी को सुबह केरल जाने वाले थे और अब खबर ये मिल रही है कि उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। एक के बाद एक बड़े नेता अपने आगे के प्रोग्राम्स को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। खबर यह है कि बड़ी हलचल किसी भी वक्त आपके सामने आ सकती है नतीजे के तौर पर। पटना की यह खबर है, सीएम नीतीश कुमार 4 फरवरी को बेतिया की सुगौली में पीएम के होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूरी हमेशा दिखती रही है, राजनीतिक दूरी दोनों के बीच में, लेकिन 4 फरवरी को प्रोग्राम होने वाला है और बेतिया के सगौली में इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होंगे नीतीश बाबू। और उसी से पहले इस तरीके की उठापटक ये बताती है कि क्या उससे पहले बड़ा खेला हो जाएगा।
आज जब आपके सामने हाजिर हुई थी तो मैंने कहा था सबसे बड़ी खबर है गणतंत्र दिवस, प्लैटिनम है इस बार, प्लैटिनम जो आप जुबली बनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपके पास वही खबर आनी चाहिए या कुछ और खबरें जिन पर सियासी उठापटक से लेकर विचारधारा तक की लड़ाई बनी हुई है वो भी पहुंचनी चाहिए। तो आपको ये बता दें कि वो भी खबर आपके लिए तैयार है।